पहले तो ये हमारा ओट्स है और ये मेरे पापा है, आज वही बनाने वाले हैं। तो हम पहले ओट्स को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे इस कढ़ाई में ताकि ये अच्छे से डस्ट हो जाए हमारे मिक्सी में। तो चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे पापा ये फ्राई कर रहे हैं इधर। तो फ्रेंड्स मेरे पापा अभी इसे मिक्सी में डालने वाले हैं, इस मिक्सी के बर्तन में, और मिक्सर ग्राइंडर हम इससे पेस्ट करेंगे। तो देखिए मेरे पापा डाल रहे हैं, बहुत गर्मी है ना और ठंडी बहुत ज़्यादा है, और ठंडी में गर्मी करने में बहुत मज़ा आता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी इसको हम पेस्ट करने वाले हैं। तो मिक्सी, तो फ्रेंड्स ये मिक्सी में अभी ग्राइंड तो हो चुका है और थोड़ा सा बाकी, क्योंकि अगर हम पूरा बिल्कुल चला दें तो क्या होगा कि हमारा जो मिक्सी है वो ज़्यादा गर्म होकर फट जाएगा, इसलिए हम धीरे धीरे करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा ये बिल्कुल पिस चुका है और मेरे पापा इसमें ये डालेंगे, देख सकते हैं बिल्कुल पिस चुका है, ये बिल्कुल पिस चुका है। तो अभी हम इसे गूंदेंगे बिल्कुल रोटी की तरह, बेलन से भी बेलेंगे। तो फ्रेंड्स ये बंगाली का मिष्टी दही, मतलब कि मीठा दही, इसे हम इसमें डालेंगे। कर्ड बोलते हैं इसको इंग्लिश में, कर्ड, और इसे ओट्स। तो आप देख सकते हैं कितना क्वांटिटी में डाल रहे हैं, कितने हैं, 2 चम्मच और भी शायद 2.5 चम्मच। तो 2.5 चम्मच पापा ने इसमें दही डाल दिया है, और जितने आपके फैमिली मेंबर हैं उसमें इसका डिपेंड करेगा कि कितना आएगा। हमारे तो 4 है, इसलिए मतलब 4 डोसा भी नहीं बनेंगे, आपके फैमिली में कितने खाने चाहेंगे इस इतने में डिपेंड करके बन जाएगा। तो पापा ने कुछ पानी डाल दिया है इतना तक, और अभी पापा इसे घूम देंगे। तो घूम लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसे रख देंगे, हमारा ये बिल्कुल हो चुका है, पापा ने इसे अच्छे से भून लिया है। अब हम इसे कुछ देर के लिए रख देंगे और सब्जी काटेंगे। तो फ्रेंड्स अब फ्रेंड्स हमने कुछ बीन ले लिए हैं, ये बीन है, और एक गाजर, और 2 हमने मिर्च ले लिए है, हमारे 2 मिर्च, और इधर हमारे बीन, और इधर हमारे गाजर। तो अब हम इसको काट लेंगे। तो फ्रेंड्स मिर्ची डाल लिया है। तो फ्रेंड्स हमने इसमें गाजर, फिर बीन, फिर अदरक, फिर थोड़ी सी मिर्च डाल दिए है, जो 2 मिर्च थे। हमने अदरक भी डाला है, मतलब कि थोड़ा सा, इतना सा तो डाला ही होगा। तो अब हम इसे मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स ये इसमें थोड़ा सा और पानी डाल के और भी पेस्ट बना लिया। अब हम इसमें डालेंगे नून, नून डालेंगे। तो नून कितना डालना है ये मेरे पापा आपको दिखा देंगे। तो नून इतना सा डालना है, आप देख सकते हैं बिल्कुल कम, करीब मैं आपको लेके दिखाता हूँ। पापा ने इतना सा नून डाला है। तो फ्रेंड्स नमक कम पड़ गया था, नून कम पड़ गया था, और भी डालना है और इतना सा डालना है, इतना सा। तो फ्रेंड्स कश्मीरी मिर्च भी डालना है, देखिए कितना सा, इतना सा डालना है, बिल्कुल कम है, इतना तक होगा। तो फ्रेंड्स हम इसका सॉस भी बनाने वाले हैं। तो सॉस के लिए चीनी या सॉस, या आप देख सकते हैं डेल मोंटे का टोमेटो केचप है, और अदरक, और शायद थोड़ा सा हींग, हमारा हींग पतंजलि का है, पतंजलि का हींग बहुत अच्छा होता है, हींग डालना है। तो फ्रेंड्स तेल भी डालना होगा थोड़ा सा, आप जितना खाना चाहे उतना तेल। तो फ्रेंड्स मेरे पापा सॉस डालेंगे, आप देखिए कितना डालना है। तो ये हम फ्राई कर रहे हैं इसको तेल में। ओ ओ, तो इतना सॉस डाल दिया है,
तो फ्रेंड्स चीनी कितना डाला है मैं आपको दिखाता हूँ कितना। तो फ्रेंड्स हमने तवा डाल लिया है, सॉस उधर है तो आप देख सकते हो। और अब पापा अब इसमें तेल डालेंगे और देखना कि कोई पानी ना रहे। तो पापा इसे अच्छे से इसलिए पोंछ रहे हैं ताकि पानी ना रहे और मैल ना रहे। और आप देख सकते कितना तेल डाले, इतना डाले और फिर इसको फैला लेंगे। तो फ्रेंड्स मेरे पापा जो है बैटन डाले हैं, आप देख सकते हैं, तो बैटन को फैला रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कैसा हो रहा है, ये थोड़ा अब येलो सा होने लगा है। तो फ्रेंड्स देखिए कैसे उलटना है, मेरे पापा दिखाएंगे फ्लिप टेक्निक। देखा फ्रेंड्स बिल्कुल ऐसे ऊपर जाके आया। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा डोसा रेडी है, मैं आपको अभी इसे टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए हमारे डाइनिंग टेबल में चलते हैं। तो ये अब मैं इसे थोड़ा सा टेस्ट करने वाला हूँ, तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं। तो मैं अभी बैठ जाता हूँ शांति से। हाय, तो सॉस टेस्टी है, आप भी खा लीजिए सॉस, ले लीजिए। अब हमारा डोसा को चेक करते हैं, आप खाएंगे, ये लीजिए छोटा सा टुकड़ा आपके लिए। ये जो डोसा है भाई गर्म है यार, बहुत गर्म है। तो ये बहुत गर्म है यार, चिल बाबा चिल। डोसा टेस्टी है, हम सब अच्छा डोसा बनाया। आप खाली भी थोड़ा खा के देखते हैं। वेरी गुड फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय, थैंक यू, बाय फ्रेंड्स।